व्हाट्स अप गाइस, आई एम अफसा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस क्वारंटीन में बर्दाश्त किया, बिकॉज दिस इज अ ट्रैवल चैनल और आप लोगों ने मुझे लाजमी ट्रैवल व्लॉग्स के लिए ही फॉलो किया हुआ होगा। इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो गई, बिकॉज ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, टूरिज्म ओपन हो गई है। जस्ट मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल द रेसिपीज व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। अच्छा खैर, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रैकिंग शूज कहाँ से मिलते हैं, स्लीपिंग बैग कहाँ से मिलता है, कैंप कहाँ से मिलता है, थर्मल शूज कहाँ से मिलता है, बहुत सारे सवाल आते हैं। आज मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं लाइट हाउस कराची, और लाइट हाउस कराची से काफी कुछ अच्छा अच्छा सामान मिल जाता है। सो आई होप कि हमें सारी चीजें मिल जाए एंड मैं वहाँ फिल्म भी कर पाऊँ, ताकि आप लोग को दिखा पाऊँ कि हम लोग किस तरह से वहाँ पे चीजें लेते हैं और हर चीज की क्या क्या तकरीबन क्या क्या प्राइस होती है। वहाँ ना भी दिखा पाऊँ तो फिर घर आके दिखा दूंगी आप लोगों से। टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, आपकी बहन आपके साथ है और आपको सारा गाइड करने वाली है। सो चलते हैं। अभी हम अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं जो कि लापता हो गई है। एक अगर समीरा नाम की लड़की अगर आपको मिले तो हमसे रब्ता करें। हमारी ये बहन हमारी गुम हो गई थी। हम जा रहे फाइनल। ये हमने लिया कितने का? ये हमने 5.5 हज़ार के दो लिए। 5.5 के हमने दो सेम लिए हैं। ये रख सकता है। तो सेकंड चीज डन, हमने ये रेनकोट लिया। पहली दफा हम इतना कूल रेनकोट मिला है। होप सो ये कूल लगे भी और ये इसमें रेन जाए भी नहीं। आपको जो है ना बहुत अंदर अंदर आना पड़ेगा स्लीपिंग बैग वगैरह लेने के लिए। इट्स लाइक बहुत अंदर एक शॉप है सीधा। ये अंदर जो है ना ये स्लीपिंग बैग की शॉप है। सो फार आवर शॉपिंग इज सक्सेसफुल। हमने स्लीपिंग बैग भी ले लिया है और रक्सक भी ले लिया है और पोंचो भी ले लिया है। अब हमें सिर्फ ट्रैकिंग शूज रहती है लेने, और अंधेरा होना शुरू हो चुका है। इसी गली में नीचे बेसमेंट पे जूतों की शॉप है, जहाँ से आपको ट्रैकिंग बूट्स मिल जाएंगे। थोड़ी सी मैं आपका एडवाइस दे दूँ, ट्रैकिंग शूज जब भी लें तो मेक श्योर दे आर वाटर प्रूफ। सेकेंडली वो थोड़े हाई एंकल होंगे आपके, और थर्ड वो आप अपने जो है ना वो इतना आपने बड़ा लेना, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करो तो आपके पैर स्वेल कर जाते हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो इन तीन बातों का ना आपने ख्याल रखना है। हाँ जी, तो मैं घर आ गई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और आप लोगों को प्राइजेस के बारे में कुछ कुछ मालूम नहीं दे पाई। तो फिर अभी जो है मुझे 3 घंटे बाद अपने ट्रिप के लिए निकलना है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को जाने से पहले ना सारी चीज़ें भी दिखा दूँ, उसकी कीमतें भी बता दूँ, ताकि आप लोगों को फिर कोई परेशानी ना हो कि भाई हंसा के व्लॉग में सिर्फ बातें होती हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस दफ़ा तो ये वाला भाड़ा नहीं चलेगा आप लोगों का। मैं आप लोगों को जिससे चीज़ें दिखाती हूँ, सारा जो है ना सामान बेड में फिरा पड़ा है और पैक करने से पहले मुझे आपको दिखाना था। सो लेट्स गो। इस तरह से जो मैंने है ना पाउचेस बनाए हुए, जिस तरह से इसमें शर्ट्स रखी हुई हैं मेरी, इसमें मेरे ट्राउजर्स और हिजाब्स हैं, इसमें भी मतलब इसमें मेरे सॉक्स वगैरह वाली चीज़ें हैं। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो शशके मशके मारने के लिए हैं, वो मैं आप मेरी वीडियो में देखेंगे या पिक्चर देख लेंगे कि मैंने ये स्कर्ट क्यों रखी है। ट्रैवल प्लो है ये, जो पाउच टाइप का आप बांध देते हैं जिसमें आपके पैसे NIC वगैरह आप रख लें। इस दफ़ा यार ये सारी चीज़ें भी रखना बड़ा ज़रूरी है। आप मास्क ज़रूर रखें और सैनिटाइज़र भी आपने ज़रूर रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा जो है वो स्लीपिंग बैग है, ये मेरा डे बैग है, ये मेरा रक्सैक है, ये मेरी ट्रैकिंग पोल्स हैं, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वाइप्स रखे हुए, टिशू। ये दो पाउचेस मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें से एक पाउच जो है वो मेरा टॉयलेट्रीज़ का है और एक पाउच में मेरा मेकअप है। ये मेरी है डाउन जैकेट, दो मेरी जैकेट्स हैं ये। दिस इज़ द रेनकोट, इसके नीचे जो है वो आप शॉल वगैरह रख सकते हैं, और या फिर मैंने जैसा अजरक रखी हुई है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आप एक टॉर्च रख लीजिए। तो ये सारा मेरा सामान है, ठीक है, दिस इज़ माई सामान, और ये अब जाएगा इस रक्सैक में और इस डे बैग में, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रक्सैक मैंने लाइट हाउस से लिए 2700 का। ये जो है वो ट्रैकिंग पोल मैंने दराज से ऑर्डर की थी, 400 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये रेनकोट मैंने जो है वो पिंडी से लिया था और ये मुझे तकरीबन मिला था 1100 का को समथिंग। ये डाउन जैकेट भी मैंने लाइट हाउस कराची से ख़रीदी है, जो कि मुझे मिली है 1500 रुपये की। ये मैंने पहले ख़रीदी, ये मुझे 1000 रुपये की मिली थी, ठीक हो गया जी। अब मैं कपड़ों की तो प्राइसेस आपको बताने से रही। हाँ, ये जो है स्लीपिंग बैग भी मैंने जो है वो लाइट हाउस से लिया, ये मुझे मिला है 500 रुपये का। इसकी क्वालिटी
क्वालिटी में टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि 500 रुपए की भी चीज़ अच्छी आपको मिल सकती है कि नहीं, लेकिन वेरी वेरी सस्ता। ओके, ये मैंने खरीदा है ट्रैवल पिलो, मुझे 1000 रुपीज़ का मिल गया था, ठीक है जी। और बाकी सब ये वाला सामान पड़ा हुआ है, अब आपको कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं कि प्राइजेस का नहीं पता चला। अच्छा, मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ इन पाउचेस में मैंने क्या क्या रखा है। अब आप ही सोचेंगे इस पाउच के अंदर जो है वो मेरे इतनी बड़ी शैम्पू की बॉटल कैसे आ गई। तो कभी भी जो है ना, आपने शैम्पू की बॉटल नहीं रखनी, ऑलवेज़ कैरी साशे फॉर्म में आप रख लें। अच्छा, ये जो चीज़ें आपको मिलती है ना, ये आपके नेक्स्ट ट्रिप पर बड़ी काम आती है। ये मुझे ग्रीन लाइन से डेंटल किट मिली थी तो मैंने इसको ऐसे ही रख ली। ये मेरा फेस वॉश है, ये भी मुझे ग्रीन लाइन से हैंड सोप मिला था, लिक्विड सोप, तो ये भी मैंने वही रखा है। ये मुझे कुछ चीज़ें मिली हुई थी। और इसके अलावा ये देखें, ये आपने साशे फॉर्म में शैम्पू रखना है, आपने कभी भी जो है वो पूरी पूरी बॉटल्स नहीं रखनी। और अगर आप लोशन की बॉटल भी रख रहे हैं तो वो भी आप छोटी वाली बॉटल्स रखेंगे। इसके अलावा मैंने सीज़र रखी हुई है इसमें, तो ये वाला मेरा कुछ सामान है जो कि मेरा टॉयलेट्रीज वाले पैक में है। अब मेकअप जो है ना, वो हर लड़की पर डिपेंड करता है कि आपने मेकअप जितना रखना है आप रखें, लेकिन इतना ज़्यादा ना रखें कि यू नो आप हाईलाइटर पैलेट सारी पैलेट्स आपने रखी हुई। खैर ठीक है, अब मैं इसको दोबारा पैक कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। ओके बाय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ बस टर्मिनल पर, हम आ चुके हैं और अब बस निकलना है। संडे ब्लॉग में मिलते हैं आपसे बस का रिव्यू के साथ। ओके बाय।